हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज एक नया डिजाइन का डोरमेट बना के बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। तो मैंने इसमें चार कलर लगाए हैं। आप चाहें तो और भी मल्टी कलर इसमें लगा सकते हैं, नहीं तो चार कलर से ही बना सकते हैं, दो कलर से ही बना सकते हैं। तो ये आज बना के बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। और 9 नंबर की मैंने इसमें सिलाई यूज की है, डबल ऊन है। आप चाहें तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकती हैं और ऊन से ही बना सकती हैं। और मैंने कम फंदे में इसे बना के बताया है। आप चाहें तो जितना बड़ा बनाएं उस हिसाब से आप ज़्यादा फंदा डालें। तो इसमें मैंने 22 फंदे डाले हैं, तो 22 फंदे से ही बना के बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको पहली सिलाई से ही बताऊँगी। तो देखिए, इसमें मैंने 22 फंदे डाल लिए हैं, तो आपको पहली सिलाई से ही बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी। इस तरह से एक एक फंदा हम बुनते हुए 12 फंदा बुनेंगे। देखिए, दो हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 फंदे हो गए। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें मैं दूसरी कलर ऐड करूँगी। तब यहाँ से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 8 फंदा मैंने इसमें बुन लिए, 2 फंदे लास्ट के छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बुनते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब तो देखिए, इसको हम पीछे करेंगे और इस तरह से हुए ऊपर से हम इसको क्रॉस कराते हुए ले आएंगे और फिर हम इससे बुनाई करेंगे। इसको थोड़ा खींच के टाइट कर देंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। पहले फंदा हम उतार लेंगे, उसके बाद हम बुनाई करेंगे। तो अब हम, ये 12 फंदा है तो 12 फंदे ही हम बुनेंगे, इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। देखिए, अब हम इस तरह से हम धागा को कर लेंगे और फिर हम बुनेंगे। तो इस बार हम 6 फंदे बुनेंगे और 2 फंदे लास्ट के फिर से छोड़ देंगे। देखिए, ये 6 फंदे बुन लिए रेड से और धागा को। अब यहीं से पलट के जो जैसा कलर है उसी से बुन के कंप्लीट कर लेना है। फिर से हम इसको पीछे करेंगे या इसको क्रॉस कराते हुए ऊपर से लेके इसको बुन लेंगे।
अब देखिए फिर से पहला फंदा उतारा, इस तरह से उतार के हम धागा को अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही फंदा हम बुनेंगे और 4 फंदे हम डिजाइन से बनाएंगे। तो ये 4 फंदे हैं, ये हम रेड कलर से बुन लेंगे इस तरह से, और 4 फंदे हम इसमें से बुन लेंगे। 6 फंदे थे तो 2 फंदे हम लास्ट के छोड़ देंगे। देखिए 2 फंदे छोड़ दिए और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब फिर से जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है ये सिलाई को। अब इसको फिर से हम पीछे करेंगे, क्रॉस कराते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फिर से हम इसे रिपीट करेंगे। दो फंदा फिर से छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब इस साइड से फिर से जो जैसा कलर है उसी से हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए पहले फंदा उतार लेंगे, अब हम 4 फंदे बुनेंगे। 4 फंदे बुन लिए और 4 फंदे हम इससे बुनेंगे। अब 4 हम नीचे से ले लेंगे। देखिए 2 फंदे छोड़ दिए, फिर से हम सिलाई को पलट लेंगे। अब देखिए फिर से हमें रिपीट करना है, तो ये 4 फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे और बाकी हम रेड से बुनेंगे। दो फंदे फिर से छोड़ के सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। उसको पीछे करेंगे और फिर से हम आगे लाके इस कलर से हम 4 फंदे इसे बुनेंगे। तो इसी तरह से ये सीधी साइड बुनी जाएगी। अब देखिए 4 फंदे जो रह गए हैं इसे भी हमें रेड कलर से बुन लेना है इस तरह से। देखिए 4 फंदे पहले का था, 4 फंदे ये, तो 8 फंदे हो गए। अब सीधी साइड से 8 फंदे हम बुन के कंप्लीट कर लें। अब देखिए फिर से हम ये डिजाइन को रिपीट करेंगे। तो 8 फंदे हैं तो अब हम 6 फंदे बुनेंगे। देखिए 2 फंदे छोड़ दिए और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो ये डिजाइन एक काली और एक डिजाइन बन के कम्प्लीट हो गई। देखिए अब यहाँ से देखिए अब हम इसमें तीसरी कर्ली ऐड करेंगे। तो ये सीधी कर्ली फंदे, अब यहीं से हम दूसरी कलर, तीसरी कलर इसमें ऐड करेंगे। देखिए
अब हम सारे फंदे को इसी कलर से बुन के कंप्लीट करेंगे। सारे लास्ट तक हमें बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए अब एक सिलाई हम सीधी साइड से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से हम 12 फंदे बुनेंगे। एक फंदे उतार लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे बुन लिए। अब इसमें हम चौथी कलर ऐड करेंगे। अब देखिए इससे हम 8 फंदे बुनेंगे। चार हो गए, 5 6 7 8 8 2 फंदे छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब इस साइड से जो जैसा कलर है उसी से बुन के कंप्लीट कर लेना। अब देखिए इसको हम पीछे करेंगे और इसको आगे लाके ये 12 फंदा है इसे हम व्हाइट से बुन लेंगे। इसी तरह से बनाने का तरीका सेम है, बस मैंने कलर चेंज किया है। अब देखिए पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ करते हुए अब हम इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। एक बार और दिखा दे रही हूँ, इसी तरह से ये बनेंगे। अब यहाँ हम 6 फंदे बुनेंगे। देखिए 6 फंदे हो गए, 2 फंदे छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से पलट लेना है। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर उसी से बुन लेना। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 अब हम 8 फंदा बुनेंगे और 4 फंदा हम ब्लू से बुनेंगे। इस तरह से 4-4 फंदे के डिजाइन है, तो इस तरह से हम 4 फंदे बुन लिए और 4 इसमें से बुन लेंगे। 2 फंदा नीचे के साइड छोड़ देंगे, तो इसी तरह से ये बनेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बनाना इसी तरह से है, बस मैंने कलर चेंज किया था जैसे मैंने शुरुआत की थी उसी तरह से ये बने। तो देखिए सिलाई भी कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से ये अब डिजाइन को रिपीट करेंगे, फिर 4 फंदे इसमें से ले लेंगे, फिर 4 फंदे इसमें से ले लेंगे, इस तरह से। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया, तो इस तरह से ये बनेंगे। तो मैंने 4 कलर से बनाया। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।